गिराया जगिराया फूल जैसा खिलिराया, गिराया जगिराया फूल जैसा खिलिराया, यो दीना यो मास तू कैठने राया, गिराया जगिराया फूल जैसा खिलिराया। आज हम हल्द्वानी पास में फतेहपुर एक जगह छू, हम एक आमा पास में छन, श्रीमती राधिका देवी जी घर में छन, आप बोरा परिवार बटे भी छा। तो आज मैंने सौभाग्य छू कि मैं अपन एक बुजुर्ग परिवार बीच में बात करने लगी, यहाँ फतेहपुर में आ रही। अब को यह बहुत भल लगल कि हमारे जो संस्कृति छू आज तू मजबूती लेना है धीरे धीरे, कहीं ना कहीं हमारे सोशल मीडिया, हमारे गूगल, हमारे व्हाट्सअप, हमारे फेसबुक है बदौल आगे नहीं जानो। तो मेरा कोना मतलब ये छू कि आज हम भोल के मजबूत करूँ छूँ, तो हमारे बीती हुई कल के याद जरूर करूँ हम बहुत जरूरी छू। ऐसा मैं आज फतेहपुर में छन और मेरे सौभाग्य छू, मैं अपन 80 साल आम बगल में बैठ रही, हमारे एक हरियाला त्यौहार होनी छू। आपको मालूम छू हरियाल हरियाली को प्रदर्शित करूँ, हरियाली त्यौहार छू। किसान लोग, हमारे भाई बहन लोग जितलो छन पहाड़ों में आजकल खूब रोपे हरे, हम पा यहाँ बैठ रही 80 साल जन्म मिलकर उम्र छू। अब वो हरियाव बारे में दिस बात आपको सुना कि हरियाव, हालांकि उनको बोलन और मेरे बात जवाब देने में थोड़ा कठिनाई है और मैं उन्हों डायरेक्ट पूछूँ और वे बात हूँ बताल जसला बताल जेला उनको समझ में आज जसला बता, क्योंकि कान ने थोड़े कम सुनने की उम्र है गई है। तो आपको मालूम छू जो मेरे देश विदेश के मित्र हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि अब से दो दिन के बाद यानी कि सोमवार के दिन उत्तराखंड का सबसे प्यारा पर्व हरेला हमारे करीब आने वाला है। हरेला जब उत्तराखंड में आने वाला होता है, हमारे त्यौहार हमारे करीब आने वाला होता है, एक खुशी की लहर छा जाती है। काकुर खेती, माँ खेत, दैन खेत, जौ खेत, जौ खेत मास, चलो चार पांच पांच बड़े हाँ, फिर पांच है ताऊ छो वो अच्छा पांच है ताऊ पांच वे पांच ताऊ फिर मार दे पहनी मार लगे वे तली बैठी ना फिर उबे पांच ताऊ वे पांच पांच है चीज खेत मांस जो धान काकुई पांची हजारी ने सुखा दिन बहाल। अब तुम एक बार और बता दो, जी रहे हैं जाग रहे हैं दिनमान भेड़ना है वो बोल दियो, बोलो मीनू को इसे मेरे मुख में को कैसे बोली, जी रहे हैं जाग रहे हैं हाँ। खुटने बटी जी रहा जाग रहा लाग दे इसे बोली बोली हो हाँ। खुटने बटी पूजी ले हरियाव के जी रहे हैं जाग रहे हैं लाग दे से लाग भगवाओ भेटने रह जाए डूब जाओ पंगु जाया भूख जाओ फूल जाया आमा तुम्हारे बहुत बहुत धन्यवाद, तुम हमारे बहुत लंबी हजो और बहुत दिनों तक आप हूँ हरियाल को मनाते मनाते आगे जिंदगी जिया, ये शुभकामना हमारे तुम्हारे दगा से। तो स्नेही मित्रों आपने देखा अब से दो दिन के बाद यानी कि सोमवार के दिन हमारा प्रिय त्योहार हरेला आने वाला है। पूरे पहाड़ में, पहाड़ के लोगों में, बच्चों में, महिलाओं में, हमारी माताओं में, बहनों में यहाँ पर एक उत्साह दिखाई दे रहा है जो दो दिन के बाद अब देखेंगे तहत हरेला काटा जाएगा। हरेले के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ, हरेला पांच तरह के अनाज होते हैं जिसमें गेहूं, जौ, चना, राई, मांस, पांच तरह के अनाजों को थोड़ी मट्टी हाँ थोड़ी मिट्टी में अच्छी जगह से मिट्टी लाते हैं, मिट्टी को साफ करके उसको उसमें गेहूं डाला जाता है, डालने के बाद उससे ऊपर से एक लेयर मिट्टी और डाली जाती है ताकि बीज बाहर नहीं आता है और दो से तीन दिन के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़का जाता है। और माता जी का कहना है कि 10वें 11वें के दिन हम उसको थोड़ा बीच बीच में गुड़ाई करते हैं। तो अब हरेला कभी 11 दिन का भी होता है, कभी 10 दिन का भी होता है और ये ब्राह्मणों पे वो निर्भर करता है कि वो किस तरह से इस चीज को इसका टाइमिंग निकालते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, उत्तराखंड में जो त्यौहार हरेला आता है, हरेला हरियाली का त्यौहार है, ये त्यौहार है अपने अतीत को याद करने का, ये त्यौहार है अपने भविष्य को सुदृढ़ मनाने का, यह त्यौहार है खुशियाँ मनाने का। तो आप मित्र जहाँ भी मुझे देख रहे हैं आप भी खुशियाँ मनाइए, हमसे जुड़े रहिए, हम आपके बहुत दिल से आभारी हैं।